को आयोजित करने वाले हमारे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री पाठक जी, आवाज नहीं आ रही, वहाँ से बढ़ाओ, वहाँ से बढ़ाओ, थोड़ा सामने नहीं है, आ रही है। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी श्री पाठक जी, पार्टी के प्रवक्ता श्री सरोज जी, सब मीडिया प्रभारी श्री बराइक जी और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के सभी मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा है, यानी अबुआ राज्य के नाम पर जो एक परिवार का शासन चल रहा है, उसी के संदर्भ में आज की इस प्रेस वार्ता है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, लेकिन झारखंड में विगत 27-28 महीनों से जो झारखंड में काम हो रहे हैं, उससे लोग, झारखंड की जनता, यह हम देख रहे हैं, इससे लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में जनता का शासन नहीं बल्कि एक परिवार का शासन, और लोग कहने लगे हैं यहाँ एक परिवार का, एक परिवार के द्वारा और एक परिवार के लिए शासन चल रहा है। विगत दिनों प्रेस के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके भ्राता श्री बसंत सोरेन जी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही विभाग के द्वारा पत्थर का खनन अपने ले लिया और माननीय विधायक बसंत सोरेन जी ने जिस प्रकार पकुड़िया में लीज का उल्लंघन कर और करोड़ों रुपया राज्य का राजस्व बकाया, ये सारी बातों को हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से अवगत कराई थी, जिसकी जांच चल रही है। इस जांच की प्रक्रिया में इस विषय में मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक इसी तरह एक ऐसी सूचना भी मिल रही है कि बेहरा औद्योगिक क्षेत्र चानो ब्लॉक बिजूपाड़ा रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 11 एकड़ औद्योगिक भूमि को, जो आदिवासी, आप सब ने भी समाचार पत्र में छापा था, आदिवासियों को उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किया गया, उन चिन्हित क्षेत्र में सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ लाइफ एल आई वी ऐसी सूचना है कि सोराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को आवंटित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्योग विभाग के मंत्री हैं, इसलिए उपरोक्त विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सफाई राज्य की 3.25 करोड़ जनता को देनी चाहिए। अगर सही है तो
तो उनका यह आचरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 की धारा 13(2) के तहत ये दंडनीय अपराध है। अबुआ राज के नाम पर जो राजनयिक परिवार का शासन चल रहा, जो अपने परिवार सगे संबंधी और सहकर्मी और सहयोगों के लिए काम कर रही है, ऐसी भी सूचना मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, जिसे झारखंड में सभी लोग जानते हैं पिंटू जी के नाम से, के संस्था शिव शक्ति इंटरप्राइज के नाम पर साहेबगंज के पकड़िया ग्राम में 11.70 एकड़ की भूमि पर दिनांक 8/4/2021 को खदान की लीज 10 वर्ष के लिए दी गई। 11.70 और सरकारी कागजों के अनुसार उस पर 90,00,000 रुपए का निवेश किया गया। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा के फॉर्म महाकाल स्टोन वर्क्स के नाम पर भी साहेबगंज जिला के मारी मौजा में भी 6.25 का खदान वर्ष 2021 में ही आवंटित किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आनन फानन में सारी स्वीकृति तथा अनुमति प्रदान की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्योग विभाग एवं खनन विभाग यानी दोनों विभाग के मंत्री हैं, तो क्या उपरोक्त सारे निर्णय उनके प्रभाव के कारण उनकी जानकारी में लिए गए और अपने नजदीक व्यक्तियों के नाम पर खनन पट्टों का आवंटन किया गया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, उन्हें तो स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए, जितने बड़े उनके ऊपर आरोप लगा दुर्ग दिशा में भी सरकार को चाहिए आधिकारिक स्पष्टीकरण दे और उपयुक्त व्यक्ति श्री अभिषेक प्रसाद जो प्रेस सलाहकार और जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पद से अविलंब हटाए। और मुझे जानकारी है मिल रही है कि ये सरकार के द्वारा कागजों में भी छेड़छाड़ कर रही, तो ऐसी स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की कृपा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। बड़ी आशा से झारखंड की हमारी जनता, खासकर हमारा आदिवासी समाज, इस उम्मीद से अबुआ राज के नाम पर जल जंगल जमीन के नाम झारखंड की जनजाति समाज ने
इनको सत्ता में बैठाने का काम। लेकिन इन 27-28 महीनों में जो सरकार की गतिविधियां, क्योंकि झारखंड रूप से बहुत ही धनी और किसी भी राज्य का प्रकृति और संस्कृति उसका विशिष्ट स्वभाव है, लेकिन आज झारखंड में प्रकृति और संस्कृति दोनों पर हमला हो रहा है। और जब राज्य की प्राकृतिक स्थिति बिगड़ती है तो राज्य का स्वभाव और संस्कृति बिगड़ती है। आए दिन आप सब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जब से ये सरकार बनी, इस राज्य में धर्मांतरण की खबरें आती रहती है। यह भी खबरें आ रही है कि आदिवासी युवतियों को लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसाकर शादी की जा रही, उनकी जमीन के साथ साथ उनकी जमीन छीनी जा रही है और जमीन के साथ साथ आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और इस लव जिहाद में लोहरदगा, रांची और सबसे ज्यादा प्रभावित संथाल परगना के जिले, जिसमें दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आदि जिलों में बड़ी संख्या में लव जिहाद के माध्यम से हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुसलमान बनाने का काम भी जो कट्टरपंथी मुसलमान के द्वारा की जा रही है, और यही सिलसिला चलता रहे तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इस जनजाति समाज अल्पसंख्यक की गिनती में आ जाए। और ये सारे सरकार के संरक्षण में होते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए और इस तरह की गतिविधि चलना बहुत ही दुखद है और राज्य के लिए चिंता का विषय है। ये किस तरह यह आदिवासी विरोधी सरकार है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम जोड़ा था ताकि रोजी रोजगार में सरना आदिवासियों का लाभ हमारे सरना आदिवासियों के बच्चे बच्चियों को मिल सके। लेकिन ये सरकार मिशनरियों के दबाव में इस वर्ष 24 फरवरी 2022 को हेमंत सरकार जी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से इस फॉर्म से धर्म का कॉलम हटा दिया। इसका सीधा नुकसान सरना आदिवासी भाई बहन को होगा। अब जो भी सरकार की नियुक्तियां निकलेगी उस नौकरी में अधिकांश ये धर्मांतर आदिवासी को इसका लाभ मिलेगा। धर्मांतरित आदिवासी दोहरा लाभ मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने जाति पंथ बनाने के समय धर्म का कॉलम जोड़ा है, क्योंकि ये धर्मांतरित आदिवासी जिसे क्रिश्चियन कहते हैं वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। अब ये धर्मांतरित आदिवासी क्रिश्चियन
इधर आदिवासी का भी लाभ लेंगे और उधर अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे। इसीलिए हमने धर्म और कलम जोड़ा था ताकि हमारे सन्ना आदिवासी भाई बहन को के साथ अन्याय ना हो। लेकिन एक साजिश के तहत वोट बैंक तुष्टिकरण के तहत सरना आदिवासी के बच्चे बच्चियों के पेट में सरकार लाभ मार। इसी तरह हमारी सरकार बनने के बाद झारखंड के मूलवासी आदिवासी झारखंड वासी के बच्चे बच्चियों को थर्ड गेट फोर्थ गेट में सरकारी नौकरी मिले। इसको ध्यान में रखकर 10 साल के लिए हम लोग ने फिक्स कर दिया ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां, उनका भी सपना था अलग राज अबुआ राज हुआ तो हमें भी सरकारी नौकरी मिले। लेकिन जैसे ही सरकार आई और एक हाई कोर्ट में श्री सुश्री सोनी कुमारी के केस के मामले में इन्होंने एफिडेविट डाल करके कि बीजेपी की सरकार ने जो निर्णय लिया था थर्ड गेट फोर्थ गेट के नौकरी में स्थानीय को 10 साल के लिए जो प्राथमिकता दी थी वो गलत था और जिसके कारण यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बच्चे आज सरकारी नौकरी से वंचित हैं। और इतनी अच्छी नीति थी और उस नीति के तहत हमने 5 साल में 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी झारखंड के 95% बच्चे को दी, चाहे वो टीचर की बहाली हो, चाहे पुलिस की बहाली हो, चाहे बिजली विभाग में बहाली हो, चाहे वन रक्षी में बहाली हो, चाहे जेएनयू बहाली हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। लेकिन ये सरकार आज जो बड़े वादे करके आए थे कि 1 साल में 5,00,000 नौकरी देंगे, उनके साथ भी इस सारे मामले को उलझाकर लटकाकर भटकाकर यहाँ के युवकों के भविष्य के साथ भी यह सरकार खिलवाड़ कर। दूसरा, इस राज्य में आज जनता त्राईमाम त्राईमाम कर जल जंगल जमीन का नारा देकर आने वाली सरकार के राज्य में आज जल के लिए चाहे शहर हो चाहे गांव हाहाकार। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज पानी पीने के लिए जो मैं टीवी में देखता हूं, जो समाचार पत्र में देख रहा हूं, हाहाकार जल के लिए और जल जंगल जमीन के राज्य। दूसरा, जिस तरह जंगल में अवैध कटाई थी, चाहे वो सरंडा का जंगल हो चाहे साहेबगंज का जंगल, चाहे खूंटी में हो चाहे सिमडेगा में, आप सभी समाचार टीवी में दिखा रहे हैं मीडिया में। इस सरकार के बनने के बाद अवैध जंगल की कटाई भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। उसी तरह जमीन, सरकारी जमीन या फिर किसी गरीब आदिवासी का जमीन को किस प्रकार उस जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखी हुई, किस प्रकार उस सरकारी जमीन या गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पने का काम ये वर्तमान सरकार में जोर शोर से चल रही है। और हेमंत सोरेन की पार्टी का नारा है सरकारी प्लॉट हमारा, और आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, हर जगह सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा। और रांची के समाचार पत्र तो जमीन के मामले से भरा भरा। किस तरह जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को तो हम भूल ही जाए, जिस तरह 28 महीने में प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही, मैंने याद होगा आपको इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह दुमका के शिकारी पारा में मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में मैं 3 मुस्लिम युवक का नाम लिया था, पर डे किस तरह हजारों ट्रक आज भी चल रहे,
और आज समाचार पत्र आपने पढ़ा होगा, एक समाचार पत्र में इसको बताया कि डीओफो ने जो मैं नाम लिया था आप निकाल लो, वही लोग पर जिला बाहर, जिला बाहर का आज डीएफओ ने डीसी को आवेदन दिया। अब डीसी की कितनी हिम्मत होगी कि मुख्यमंत्री का अवैध कोला व्यापार करने वाले को जिला बाहर करते हैं कि एक जो मैं कहा था उद्योग व्यापारियों में आदिवासी मुद्दे का बढ़ाएगी सरकार, एक पेपर कटिंग में वही आदिवासी को उद्योग व्यापार के लिए जमीन नहीं मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी को क्या मीट प्रोसेसिंग के लिए 11 एकड़ जरूर जमीन मिल गया ऐसी सूचना। इसी तरह भ्रष्टाचार, ये जमीन है आपका, जैसे सरकार चतुर्वेदी जी थर्ड गियर में चल रहा, आप भी थर्ड गियर फर्स्ट गियर में चलना चाहिए। ये जमीन है आपका नरपुर वही है, ये जमीन है बेहरा औद्योगिक क्षेत्र चानो ब्लॉक बिजुपाल रांची, तो आप पता करो। दूसरा, इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा, भ्रष्टाचार दो तरह के, एक राजकीय भ्रष्टाचार, दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार। जो राजकीय भ्रष्टाचार है वो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, जो रोजमर्रा की भ्रष्टाचार जिसमें आम जनता पीस रही है, चाहे ब्लॉक ऑफिस जाओ, सीओ ऑफिस जाओ, या फिर बड़े ऑफिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाओ, निर्माण लाभ जाओ, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का म्यूटेशन कराना हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो। और मुझे ग्रामीण बताता कि सर हम जब शिकायत करते हैं तो सीओ वीडियो कहता है जाओ जिसको कहना है तो करो, हम दे गया है। ये निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, कहां जहां आम जनता को छोटे मोटे काम कराने के लिए बिना पैसे दिए काम नहीं होता। राजकीय भ्रष्टाचार की तो हम कहानी आपको बताई है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी आप हमसे ज्यादा आप सब हो गए थे क्योंकि आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग से नेपाल हाउस घूमते रहते हैं, बिना पैसे का कोई फाइल सरकता नहीं। ये राज्य की स्थिति है, ये सारे मामले पर बहुत जल्द संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री स्वयं या इसके परिवार कोई भी सरकारी व्यापार में सम्मिलित नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री का पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लीज में ये भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के तहत दंडनीय अपराध है। इस सारी सूचना बहुत जल्द महामहिम राज्यपाल जिसे मिलकर इन पर कार्रवाई करने के लिए अपील हम लोग करेंगे। इतना ही प्रेस।